घर भी घूम जाऊँ, 2 साल होगी घर भी गया भैया, टावरों को सिलेक्शन हो लो तो ही जाऊंगी घर। अब सिलेक्शन हो गया तो भी बन गई, वो एक बचरी से बीता नहीं बन गई, तो सबको डॉक्टर, सभी को डॉक्टर ही बनाना है, सबको डॉक्टर बनाना है, चार को डॉक्टर बनाना है। लास्ट टाइम पे जब मैं एग्जाम सेंटर में एंटर कर रही थी तो मासी के यही वर्ड थे, बेटा सासू से ऊपर लाना है, बस मेरे को वो वर्ड ही आते और कुछ नहीं आता। कभी कभी जैसे इसको लो फील होता था तब बात करती थी, तब मैं बोलती थी कि बस थोड़े से दिन पढ़ना है, फिर बाद में कॉलेज में सब अच्छा है, सारी मस्ती भी होती है, बस थोड़े दिन अच्छे से मन लगा के पढ़, उसी को एंजॉय कर, उसमें भी फिर मजा आएगा। फाउंडेशन बैच का ये पहला रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 710 नंबर हैं, और मजे की बात है कि उनमें से 2 बच्चे विद 12th हैं, यानी 12th के साथ में ही उनका नीट क्रैक हुआ, क्रैक ही नहीं हुआ, 710 नंबर के साथ में क्रैक हुआ। 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके 700 या 700 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, पहले ही रिजल्ट में, पहले ही बैच से ऐसा परिणाम आज तक कभी किसी इंस्टीट्यूट ने शेखावटी में छोड़िए राजस्थान में शायद नहीं दिया होगा। नीट का रिजल्ट आ चुका है और शिक्षा नगरी सीकर ने एक बार फिर पूरे देश में अपना नाम रोशन किया, और जैसे देश में नारा चल रहा था 400 पार का, सीकर वालों ने नारा पहले ही दे दिया था 700 पार, और 700 पार की यहाँ पे लाइन लगा दी। मेरे पीछे भी काफी बच्चे खड़े हैं जो 700 पार कर चुके हैं, और मैं अभी सीकर की जो मैट्रिक्स है जो जेई के लिए जानी जाती है, लेकिन नीट में भी इन्होंने झंडे गाड़े हैं। मेरे साथ विष्णु जी हैं, कुछ बताइए सर रिजल्ट के बारे में। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, और आपको धन्यवाद कि आपने बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप पधारे हैं। इस बार का रिजल्ट बहुत बड़ा रिजल्ट रहा सर, मैट्रिक्स का ये 2रे सत्र का परिणाम था। पहला सत्र जो पिछले वर्ष था हमारा, वो हमारा फाउंडेशन बैच नहीं था, क्योंकि पहला सत्र था रिपीटर बच्चे थे केवल। इस बार हमारा प्रॉपर फाउंडेशन का रिजल्ट है, और फाउंडेशन बैच का ये पहला रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट में 5 बच्चे ऐसे हैं जिनके 710 नंबर हैं, और मजे की बात है कि उनमें से 2 बच्चे विद 12th हैं, यानी 12th के साथ में ही उनका नीट क्रैक हुआ, क्रैक ही नहीं हुआ, 710 नंबर के साथ में क्रैक हुआ। 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके 700 या 700 से ज्यादा मार्क्स आए हैं, पहले ही रिजल्ट में, पहले ही बैच से ऐसा परिणाम आज तक कभी किसी इंस्टीट्यूट ने शेखावटी में छोड़िए राजस्थान में शायद नहीं दिया होगा। ये परिणाम देख करके हम शेखावटी को समर्पित करते हैं, और उनसे आशा करते हैं कि आपने जो विश्वास जताया हमने उसका परिणाम आपको सौंप दिया। यानी मैट्रिक्स अब जेई के बाद नीट में भी झंडे गाड़ने हो गया होगा। बिल्कुल इसी भांति से बच्चे मेहनत करेंगे, आप विश्वास रखेंगे तो आप मान करके चलिए कि इस बार से अगली बार और बेहतर आपको करके दिखाएंगे। पिछली बार था पहली बार 200 पार, इस बार जो है वो दूसरी बार 400 या 500 पार, अगली बार जहां ईश्वर की मर्जी होगी वहां लेके जाएंगे। धन्यवाद सर। बाकी मैं सब बच्चों से बात नहीं कर पाऊंगी, काफी बच्चे हैं, तो एक छोटी गुड़िया है जो भावी डॉक्टर है उनसे बात करेंगे। बेटा क्या नाम है? सोनल चौधरी। अच्छा जी, अभी आप जैसे तैयारी करने स्टार्ट की, डॉक्टर का दिमाग में कैसे आया कि डॉक्टर ही बनना है? मेरे जो पेरेंट्स थे उनका शुरू से ही सपना था कि डॉक्टर बनना है, और मेरी बड़ी जो सिस्टर है वो चल नहीं पाती है, तो मैं उसको देखती थी कि मैं डॉक्टर बन के ऐसे बच्चों का इलाज करूँ जो मतलब पूरी जिंदगी चल ही नहीं पाते, तो वहीं से स्टार्ट हुआ। अच्छा, तो बड़ी सिस्टर रही, ये भी आपकी सिस्टर ही है? ये मासी की। अच्छा, अब मानी आप भी डॉक्टर ही? सेकंड ईयर में हूँ मैं। अच्छा, अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? राजकोट, गुजरात। अच्छा, और ये कौन है, आप क्या लगते हैं? मासी जी। तो मासी जी की तरह साथ रह के पढ़ाई कर रही है। हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चे का ध्यान रखना गार्जियन का बहुत बड़ा फर्ज होता है, जितना बच्चा मेहनत करता है उतने गार्जियन भी मेहनत करते हैं, तो थारी किसी की मेहनत रही बताओ? मेरी तो बहुत बढ़िया मेहनत रही, डेली तो दो देर जाती मेरे। हाँ। और डेली जगह ती उठे थी, और बस डेली जगह उठे थी, सुबह से बहुत नहीं, सुबह सुबह तो बहुत एक बार तो परेशान करी थी टापर करी जाए, पर जगह ती उठे थी, डेली दो देर जाती मेरे। एक जैसे आप बस भाई ये तो स्कूल में जाके वहाँ का कोचिंग पढ़ाई करते हैं, आप घर पे रहते हो, बच्चा कब आ रहा है कब जा रहा है, उसका खाना का एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है? खानू बराबर टाइम माल खाती, फोन फान का देखती। अच्छा। हाँ। फोन के हाथ ही नहीं लगा? फोन छोई को नहीं, एक भैया जो कोई 2 मिनट डाउट होता है जो अपन फोन से भी क्लियर कर सकते हैं, बस उसी के लिए, और बाकी फोन यूज नहीं करते। मैट्रिक्स तो जेई के लिए जानी जाती है, और नीट में आपने एडमिशन लिया, ये तो बड़ा क्या सोच? मैं जब मतलब कोचिंग ऐसे सीकर में देखने आए थे कि कौन सी कोचिंग में डालना है, तो हम सब कोचिंग में जाके फिर मैट्रिक्स में आए थे, तो यहाँ पे मेरे को सबसे अच्छा लगा था डिसिप्लिन, बच्चे मतलब शुरुआत में कम थे तो हर बच्चे पर ध्यान दिया जाता था, तो वो पॉइंट मेरे को सबसे अच्छा लगा था, और इसीलिए हमने इस पे मैट्रिक्स में लिया था एडमिशन। जो बच्चे भी तैयारी भावी आ रहे हैं जिनको मेडिकल तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, उनको क्या बोलना चाहेंगे? रेगुलर स्टडी करो, ऐसे नहीं कि एक दिन में ऐसे दम तोड़ स्टडी कर रहे हो और 2-3 दिन सो रहे हो, नीट में बस रेगुलर स्टडी चाहिए, 5-6 घंटे सफिशियंट है कोचिंग के अलावा,
10-15 घंटे की स्टडी नहीं चाहिए बस। अभी आपके टोटल मार्क्स कितने बने? 720 में से 710। ये 10 नंबर कहाँ चूक हो गई? 10 नंबर, एक क्वेश्चन मैंने यूनिट पढ़ने में गलती कर दी शायद, और एक क्वेश्चन का मेरा कॉन्सेप्ट मिस्टेक। अच्छा, बाहर आते तो पता लग गया वो ये मिस्टेक यहाँ? हाँ, मैंने मतलब क्वेश्चन देखा कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, तो कि हाँ कि अपन ने ये यूनिट नहीं पढ़ी इसमें। तो खुशी इस बात की कि 710 आए, थोड़ा सा अफसोस भी होगा कि एक दो नंबर से होता तो वो टॉप। हाँ, वो होता है। ठीक है, आप इनके मामा जी हैं? हाँ जी। अच्छा, तो क्या बताइए कि मैट्रिक्स को लेके या बच्चे की पढ़ाई को लेके क्या बोलना चाहेंगे आप? बच्चे को पढ़ाई के लेके ये है कि इनके पेरेंट्स, वो कमांड पेरेंट्स, मेरे दो जीजा जी हैं मतलब। अच्छा। तो वो दोनों ही, और उनका छोटा भाई भी है, पूरी फैमिली एजुकेशन को लेके बहुत स्ट्रिक्ट है। जैसे इसका सिलेक्शन घर पे बैठे ही हो गया था, मतलब ऑनलाइन से स्टडी से हो गया था। फिर ये इसको हमने लगा कि हमें थोड़ा और सपोर्ट मिलना चाहिए इसको, तो इसको कोचिंग ज्वाइन कराई, इसका हो गया। इसका रिजल्ट इसके बड़े भाई ने निकाला है, उसके 620 नंबर ही आए हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर हमें लग रहा है वो भी क्लियर हो जाएगा। इसका छोटा भाई भी है, अभी 12th के साथ फाउंडेशन में है, मैट्रिक्स में है, बहुत वो तो बहुत ज़्यादा उस पर हमें ज़्यादा बिलीव है, क्योंकि वो शुरू से टॉपर है घर पे, तो उसका 100% होना ही है। और उससे छोटा भाई और है इसका, उसका भी अच्छा है, तो ठीक है, मतलब कोऑपरेटिव सपोर्ट फैमिली का बहुत अच्छा है। मैट्रिक्स पे पूरा भरोसा है? नहीं, मैट्रिक्स पे भरोसा है, तभी तो इसका हुआ है। संस्थान में हमने जिस संस्थान में एडमिशन कराया है उस पे तो आप बिलीव करके ही एडमिशन कराते हो, वो तो कोई पूछने वाली मतलब वो ही नहीं है। और टीचर्स का सपोर्ट वगैरह ये जैसे बता रही है तो अच्छा ही है। नहीं, एक चीज़ इन्होंने बोली कि कम बच्चे थे तो पूरा ध्यान दिया गया, कोचिंग को भी अपना रिजल्ट बेटर करना था, उस सारे आपको भी उसका बेनिफिट मिला। हाँ, मदन सर मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट में रहते थे, जैसे मैं बाहर क्लास से, वैसे मैं बाहर जाती नहीं थी, तो कभी भी बाहर जैसे कोचिंग आ रही हूँ जा रही हूँ, तो सर मेरे को माइनर के नंबर वगैरह पर्सनल पूछते थे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत अच्छा लगता था कि इतने बच्चों में से सर पर्सनल पूछ रहे हैं अपने को। पूरा ध्यान था उनका कि ये कुछ बड़ा करेगी। हाँ, टेस्ट में कितने नंबर आते थे एवरेज? टेस्ट में हमेशा 650+ रहते थे, कभी कभी एक दो टेस्ट थे दिन में 650 से नीचे गए थे। 700 कभी पार नहीं हुआ टेस्ट में? टेस्ट में 690 है हाईएस्ट। इसका मतलब टेस्ट का लेवल थोड़ा हार्ड था? हाँ, कि वो बच्चा मेंटली प्रिपेयर हो जाए। स्पेशल चीज़ ये एक और है कि ये तो जैसे शुरू से इंग्लिश मीडियम वगैरह या प्राइवेट कोचिंग संस्थान में पढ़ी है, ये गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई लड़की है 10th तक। अच्छा। हाँ, उसके बाद में इसने रिकवर किया है अपने आप को, क्योंकि प्राइवेट में थोड़ा एडवांस होता है, फिर इसने बहुत पॉपअप किया है। ये डॉक्टर बन गए ना, तो इनको लगा, फिर आपको भी लगा मुझे बनना है। हाँ, ये ज्यादा पंप यहाँ से हो गया। हाँ, ये तो मोटिवेट करता है, जैसे मैं कभी कभी बात करती थी तो 5 मिनट ही बात करती थी, तो उससे बहुत मोटिवेशन मिलता था मेरे को। ये क्या पूछते थे आपसे, बहुत करते थे? कभी कभी जैसे इसको लो फील होता था तब बात करती थी, तब मैं बोलती थी कि बस थोड़े से दिन पढ़ना है, फिर बाद में कॉलेज में सब अच्छा है, सारी मस्ती भी होती है, बस थोड़े दिन अच्छे से मन लगा के पढ़, उसी को एंजॉय कर, उसमें भी फिर मजा आएगा। आप कॉलेज का लाइफ जी तो बता दिया वही कॉलेज में। हाँ, कि कॉलेज में ऐसे ऐसे होता है, थोड़ा सा समय देना होता है, उसके बाद में डॉक्टर समय देता लोगों को, लिखा होता ना चेंबर के आगे। हाँ, मिलने का समय। यस, ये 1.5 साल मेहनत का होता है, उसके बाद तो टाइम लेके आती है आपके पास। हाँ, बस मेहनत करो, बाद में आपका भी टाइम आएगा। आप मामी जी हैं इनके, तो क्या बोलना चाहेंगे इस सफलता पे? ये है ना, शुरू से काफी परिश्रमी लड़की थी, क्योंकि शुरू से ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी थी, आज ही हम इसके गांव से गुजर रहे थे, इसकी फोटो लगी हुई थी। अच्छा। तो वो भी अभी धुंधली नहीं हुई, वो अभी तक धुंधली नहीं हुई, तो उससे उसको देख के ऐसे लग रहा था कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ के आजकल के बच्चे मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं। मगर टैलेंट होना चाहिए, वो तो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, मतलब मैट्रिक्स कोचिंग और माता पिता के आशीर्वाद से इन्हें बहुत अच्छा किया है। एक सारी चीजें होती हैं, कोचिंग का भी रोल है, टीचर का भी होता है, गार्जियन का भी होता है, एक अच्छा पढ़ाई का माहौल होता है तो वो उस बच्चे को ज्यादा अच्छे नंबर। हमारे घर पे में सब पढ़ाई का ही माहौल रहता है, मेरी मासी है बहुत ही स्ट्रिक्ट है पढ़ाई को लेके, जैसे कभी मैं थोड़ा सा आधे घंटा भी वेस्ट करती थी तो मासी की टेंशन हो जाती थी कि तू पढ़ क्यों नहीं रही है, मैं से थोड़ी देर बाद आंसू आ रहे हैं, थोड़ी सी देर से बात भी करने लग जाए तो आंसू खुशी के आंसू है। अरे, ये बात भूलनी नहीं है कि हम डॉक्टर बने ना, मासी जी का कितना बड़ा योगदान है और कितना इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया है। हाँ, मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मासी का और ताऊ जी का है। हाँ, यही तो कह रहा हूँ, बड़े बनो ना उस टाइम ये बात जरूर ध्यान रखना, अभी तो देखो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मतलब आपकी मेहनत रंग ला गई। ठीक, कुट कताक पड़े ना हो।
मैं तो खुद तो कदी कुन फड़ेड़ी बस भैया बाकी सारो नॉलेज है बस टावरान फटावा लिखा हुआ गोरियम 10 साल होगी बाढ़ ने रहता पढ़ने में बहुत ज्यादा टेंशन हो जाती है। हेडमास्टर हैं पूरे। यस स्ट्रिक्ट। तो मन नींद को नहीं पूरी रात ही वो नहीं कोचिंग में आओ जना। अब आज 2 दिन में मेरे दिमाग ठीक वो काम कर रहे हो जो कही गई पीढ़ी है ना वो सुधर जाएंगी उस चीज से। अब बात तो ऊपर लगी मेहरबानी जब बस मेरी तो मेहनत कर बोझ टाप रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भाई इस टाइप का जो काम कर रहे हैं क्योंकि हम बच्चों को जो शिक्षा दे सकते हैं अच्छे पढ़ा सकते हैं ये बहुत सबसे बड़ा सहयोग यही होता है ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मैं 3 भाई वहाँ से बस हीर में जहाँ पे मिली अलग अलग को नहीं बस मेरे टावरान फटावा कोई काम से उम्मीद एक ही बच्चों से मेरे एक बच्ची और एक बच्चों अब की बात 700 पार जैसे और अब भाई अब हमारी बाण की जरी एक बाण को बच्चों से जो बारी छे मैट्रिक्स में फट रही है तो ये देखो ऐसे जो डॉक्टर हैं टेंशन तो भी की हो रही है ना 720 साला की 620 साला की दोबारा बायोलॉजी ली। मैं आपको बताऊं मैं जब नीट की एग्जाम देने गई थी ना उस दिन फाइनल एग्जाम के दिन मासी साथ गई थी मेरे तो 2 बजे से 5 बजे तक एग्जाम होता है तो 1 बजे से 2 बजे के बीच में हम ऐसे ठहरे हुए थे एक जगह पे तो लास्ट टाइम पे जब मैं एग्जाम सेंटर में एंटर कर रही थी तो मासी के यही वर्ड्स थे बेटा 700 से ऊपर लाना है बस मेरे को वो वर्ड्स ही आते और कुछ नहीं आता जाता ही सुला दीजिए और फिर ना तो नारियल पानी खुआ पिवा और मेरे को बेटा जा 720 से आना। आप देख रहे हैं सिक्कर में डॉक्टर बन रहे हैं जो बच्ची को डॉक्टर दे माता पिता का भी कितना बड़ा योगदान होता है गार्जियन का जिसको बोलेंगे गार्जियन एज ए गार्जियन इन्होंने कितनी मेहनत की कितने कॉम्प्रोमाइज किए तो उसका सब बच्चों को उसका फायदा भी मिला तो आप इस प्रकार के इनसे मिलाया बाकी बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने 700 पार किया मैट्रिक्स में जुड़े रहिए धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं अच्छे डॉक्टर बने धन्यवाद720 ही लेके आएगा बच्चा 720 ही ना ठीक है तो इंटरव्यू लेंगे फिर दोबारा बात करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद।